हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास थर्ड ईवीएस। पहला चैप्टर आपका है जिसके बारे में हमने एक वीडियो पहले दिया था। पहले वीडियो में आपने ये जाना था कि एक्सटर्नल ऑर्गन क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट दे आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन। फर्स्ट इंटरनल ऑर्गन, सेकंड एक्सटर्नल ऑर्गन। एक्सटर्नल जो बाहर से दिखते हैं, इंटरनल जो आपके बॉडी के अंदर होते हैं, जो आपको बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। द पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड आवर इंटरनल ऑर्गन्स। बॉडी के वो ऑर्गन जिनको आप बाहर से नहीं देख सकते उन्हें कहेंगे आप इंटरनल ऑर्गन। क्या हैं? ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक एंड किडनी। दीज आर द सम ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स। क्या कभी आपने किसी का ब्रेन देखा, हार्ट देखा, लंग्स देखे, स्टमक, किडनी बिना उसको काटे हुए? हुआ काट के देखा वो एक अलग बात है। अच्छा, आप अच्छे बच्चे हैं, आप काटते नहीं किसी को। तो कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं बेटा विच कैन नॉट बी सीन बाय आवर्स अनटिल एंड अनलेस वी कट दैट ऑर्गेनिज्म। बिना काटे हम उसको नहीं देख सकते हैं, बाहर से हम नहीं देख सकते हैं। इन ऑर्गन्स को हम बोलेंगे इंटरनल ऑर्गन। पहला क्या है? दैट्स ब्रेन। ब्रेन दिमाग है नहीं है कोई बात। क्या काम करता है ब्रेन? ब्रेन सेज दैट आई कंट्रोल ऑल पार्ट्स। ब्रेन क्या बोल रहा है कि मैं सारे पार्ट्स को क्या कर रहा हूँ बेटा, कंट्रोल करता हूँ। द ब्रेन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। वाई? बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल अदर पार्ट्स। ये हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है, उनको ऑर्डर देता है, उनको बताता है कि हमें क्या करना है। जैसे आपके सामने मान लो क्या गया लोइन, लोइन क्या करोगे उसके साथ में? जाके हैंडशेक करोगे? नहीं। आप क्या करोगे? नुलू ग्यारह हो जाओगे, भाग जाओगे। तो आपको किसने कहा कि हमें भागना है या खेलना है? एक प्यारा सा पपी आपको मिला, आप क्या करेंगे? उसके साथ खेलेंगे? तो पपी अगर आपको मिला आप उसके साथ खेले, लोइन अगर आपको मिला तो आप वहाँ से भागे। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको किसने दिया? दिस ऑल आर कंट्रोल बाय आवर